नेटफ्लिक्स पे एक बहुत अच्छी और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मूवी है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। इसका सेकेंड पार्ट आने वाला था इसलिए मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा। मुझे ना फर्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, मतलब इतनी ज्यादा मारपीट एक्शन फाइटिंग दिखाई गई है ना पूरी मूवी में कि मुझे देखने में एकदम मजा ही आ गया। मूवी की जो कहानी है वो भी एंटरटेनिंग लगी मुझे देखने में। कहानी कुछ ऐसी बताई गई है, एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का लड़का है ना वो किडनैप हो जाता है, तब उसे बचाने के लिए एक सोल्जर को बोला जाता है कि तुम्हें इस लड़के को बचाने का है और सही सलामत बचा के वापस लाना है। तो वो सोल्जर है ना इस लड़के को बचाने के लिए इतनी ज्यादा फाइटिंग करता है ना पूरी मूवी में, एक्शन फाइटिंग इतना ज्यादा दिखाया गया है, मतलब एक लड़के को बचाने के लिए इतना ज्यादा खून खराबा होता है पूरी मूवी में कि मुझे देखने में एकदम मजा ही आ गया। मूवी में ना आपको बॉलीवुड के एक्टर्स भी देखने मिलेंगे, उन्होंने भी है ना बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। साथ ही है ना मूवी में आपको इंडियन लोकेशन भी देखने मिलेगी, इंडियन लोकेशन के शॉट्स भी दिखे गए हैं पूरी मूवी में। तो मूवी की जो कहानी है वो एंटरटेनिंग तो लगी मुझे देखने में। मूवी की जो एंडिंग है ना वो थोड़ी मुझे इमोशनल सी लगी देखने में कि वो जो सोल्जर था ना जो इस लड़के को बचा रहा था वो मर गया है एंडिंग में, पर मरेगा तो इसका सेकेंड पार्ट कैसे आएगा? शायद सेकेंड पार्ट में बताया जाए कि ये कैसे जिंदा बचा है, ये अपनी पूरी कहानी बताए कि मैं कैसे जिंदा बचा हूँ इतनी गोली लगने के बाद भी। तो इसका खुलासा ऐसा सेकेंड पार्ट में होगा ऐसा मुझे लगता है। पर अगर आपने एक्सट्रैक्शन मूवी देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पे है, हिंदी डबिंग में है और ये मूवी को ना अडल्ट का टैग दिया हुआ है, पर मुझे समझा नहीं कि अडल्ट का टैग क्यों दिया हुआ है क्योंकि पूरी मूवी में अडल्ट टाइप के बिल्कुल भी सीन्स नहीं है, बस वल्गर लैंग्वेज यूज करी है और थोड़े से ना खून खराबे बहुत ज्यादा है मूवी में। ये शायद रीजन हो सकता है अडल्ट का टैग देने के लिए। पर आपकी अगर फैमिली अगर ऐसी टाइप की मूवी देखना पसंद करती है मारपीट एक्शन फाइटिंग की तो आप अपनी फैमिली को भी दिखा सकते हो, पर आजकल की फैमिली भी है ना वल्गर लैंग्वेज की मूवीज देखती है, वल्गर लैंग्वेज की मूवीज वेब सीरीज देखती है फैमिली के साथ बैठ के। तो अगर आपकी फैमिली वल्गर लैंग्वेज की मूवी देखती है तो दिखा सकते हो उनको,